हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्टकट किचन। आज हम चौमासा स्पेशल एक ऐसा चाट बनाने वाले हैं जिसमें ना तो हम आलू का प्रयोग करेंगे ना ही लहसुन प्याज का, फिर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हमें कच्चे केले ले लेने हैं। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कच्चे केले। इसको लेकर हमें छोटे छोटे इसके दो दो टुकड़े कर इस तरह से कुकर में डाल देना है कट करके। अब इसमें हमें पानी डाल देना है, जिस तरह से हम आलू उबालते हैं वैसे ही पानी डालना है इसको उबालने के लिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होता है, कुकर हमारा काला नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्सर केला उबालने के बाद हम देखते हैं कुकर ज़्यादा काला हो जाता है, पर इस तेल डालने से काला नहीं होता है। अब हमें इसे गैस पे रख देना है और 3 से 4 सीटी आने तक इसको बॉईल करना है। 3 से 4 सीटी आ जाएगी उसके बाद हम इसको गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने से हमें गैस को खोल लेना है। ये देखिए सीटी लग गई है, ठंडा हो गया है, हमने यहाँ पर खोल लिया। आप देख सकते हैं काला काला इतना कुकर नहीं हुआ है, जो भी काला होना था वो पानी में ही हो गया। आप देखिए इस तरह का हो गया। अब हमें इसको छिलका छील लेना है, क्योंकि आसानी से छिल जाता है केले का छिलका, इस तरह से छील लेना है हमें। बहुत ही आसानी से छिल जाता है। देखिए सारे केले हमने छील लिए हैं। अब इसको हम पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे, जिस तरह से हम आलू को मैश करते हैं, इसको हमें अच्छे से बारीक मैश कर लेना है। देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्च, ऑप्शनल है, आपको जितना डालना आप उतना ही डालें। आधा चम्मच हम इसमें अदरक घसा हुआ लेंगे, ये ऑप्शनल है। बहुत सारे जैन अदरक खाते हैं, बहुत सारे जैन होते हैं जो अदरक नहीं खाते हैं, आपकी चॉइस है बिल्कुल। यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पत्ती, थोड़ा सा कटिंग धनिया पत्ती डालेंगे। काला नमक डालेंगे हम, आधा चम्मच से ज़्यादा लिया है मैंने। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं कम बेसी करके। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला स्वाद के लिए। यहाँ पर मैंने देखे मूंगफली को थोड़ा सा पीस लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब मूंगफली है, उसको हमने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिए हैं बाइंडिंग के लिए। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है इसमें। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस जगह पे थोड़ा सा आप राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हो। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह का ये बैटर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह का आटा तैयार हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ में अपना ऑयलिंग करेंगे ऑयल से, और इस तरह से टिक्की का शेप बना लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। और इसको अब हम एक गरम नॉनस्टिक तवे पे हमने रख दिया है कम पर, और थोड़ा सा हम ऑयलिंग डालेंगे मीडियम आँच पर। हमें इसको उलटते पुलटते हुए सेकना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है, तो आप थोड़ा थोड़ा ही इसमें ऑयल डालें और फिर इस तरह से इसको फ्लिप कर लें। आप देखिए चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से सेक लेना है। आप देखिए किस तरह से मैं टिक्की को हल्का हल्का सा प्रेस करके फ्लैट कर रही हूँ, दबा रही हूँ। इस तरह से आपको भी दबा कर इसको प्रॉपर सेकना है, प्रॉपर शेप दे देना है, और इसको बीच बीच में हमें उलटते पुलटते रहना है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नई रेसिपीज़ या ट्रिक्स डालूँ वो सब आपको मिलती रहे। देखिए ये अब बराबर सिक चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे बनाना कैसे। इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे, 2 टिक्की हम एक साथ लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी छोले का रेसिपी डाला हुआ है, तो मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगी। बस उसमें आपको प्याज नहीं ऐड करना है, तो वो बिल्कुल जैन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का छोला आप इस पे डालें अगर आपके पास है तो। अगर आपने नहीं बनाया तो आप सिर्फ दही इमली से भी खा सकते हैं, मगर मेरे पास छोला जैन बनाया हुआ है। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, और साथ साथ हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें इमली की चटनी। इमली की चटनी किस तरह से गुड़ से बनाई जाती है वो भी मैंने रेसिपी डाला हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा किस तरह से बनाते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। साथ साथ ग्रीन चटनी मैं इसमें ऐड करूंगी, जो भी आपके पास घर में धनिया चटनी हो। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, सेका हुआ जीरा, नमक मिलाकर हल्का सा लाल मिर्च डालकर ये मसाला तैयार हो जाता है। और इसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है, मैं लिंक बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो चाट मसाला नॉर्मल हमें डालना है।
अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक सेव, बाजार में मिल जाता है इजीली। थोड़ा सा हम अनार डालना से इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया लगाकर इसको फाइनल लुक देंगे। तो देखिए कितना टेस्टी अट्रैक्टिव बिना लहसुन प्याज आलू के भी हमारा चाट बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। सी यू सून, बाय।